डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित दूसरा क्लास है, पहले क्लास में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को देखा था। आज के क्लास में हम लोग संवैधानिक विकास को देखने जा रहे हैं। भारत का जो संविधान है वो ऐसे एक संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बना हुआ माना जाता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान को हम लोग लिखित और निर्मित संविधान बोलते हैं। लेकिन यदि ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया जाए या वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेदों का यदि अध्ययन किया जाए तो कुल 395 मूल अनुच्छेद में से 205 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू 1935 के अधिनियम से ले लिए गए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकांश जो भारत संविधान का उपबंध है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब 1935 के अधिनियम में जो इतने सारे 205 अनुच्छेद बने वो पूर्व से बनते चले आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि 1935 के अधिनियम में एक बैच उसमें समाहित हो गया, बल्कि वो विकास के प्रतिफल के रूप में समाहित हुआ। ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और अंत में भारतीय शासन का एक ढांचा निर्मित हुआ। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान यद्यपि संविधान सभा के द्वारा निर्मित और लिखित है, ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि उसमें से अधिकांश अनुच्छेदों का विकास ब्रिटिश शासनकाल में हो चुका था। इसलिए भारतीय संविधान एक विकसित संविधान भी है। इसका बजाते तौर पे ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास हो गया है। इस कारण से हम लोगों के अध्ययन का एक टॉपिक बनता है और वो टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। बात समझ में आ रही है? तो हम उसी टॉपिक को आज शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि काफी लंबा ये टॉपिक है, ऐसी परिस्थिति में एक दिन में ये नहीं होगा, तो आज के क्लास में हम ऐसा करते हैं कि भारतीय संविधान के विकास शीर्षक से बात को पहले समझाते हैं आपको, और उसमें से एक खंड जो अभी टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस पर हम फोकस करेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाने से पहले हम भारतीय संविधान का विकास शीर्षक को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय संवैधानिक विकास। ठीक है जी सर, चाहे हम बोले भारतीय संविधान का विकास या हम बोले भारतीय संवैधानिक विकास, दोनों जो है बराबर है। अब देखिए इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के विकास पर अगर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इसके दो परिवेश हैं। एक परिवेश ये है कि कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले अधिनियम, कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाले अधिनियम। ठीक है, एक ये शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे और दूसरा शीर्षक हमारा होगा ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाने वाले अधिनियम, मजबूत बनाने वाले अधिनियम।
ठीक है। तो पहले इन दोनों शीर्षकों को हम समझते हैं कि हमने पहला शीर्षक बनाया है, टॉपिक हमारा आपके समझने का है भारत के का संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान का विकास। इसमें हमने दो शीर्षकों में इस तथ्य को बांटने का प्रयास किया है कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ वो दो परिवेशों के अधीन हुआ और ये दो परिवेशों के लिए एक घटना उत्तरदायी है, उस घटना को हम बोलते हैं 1857 का विद्रोह, ठीक है। अब देखिए कि 1857 का विद्रोह के क्या मायने हैं। तो 1857 से पहले जो विद्रोह हुआ इसके पूर्व कंपनी शासन कर रही थी भारत, ठीक है। और 1857 के पश्चात यानी इसके बाद कौन शासन कर रहा था भारत में, तो कंपनी का शासन नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। इसका अर्थ यह हुआ कि 1857 से पहले ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी अधिनियम बनाए गए थे उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था और वो ये कि कंपनी पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए जो भी अधिनियम बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये माना गया कि कंपनी भारत में शासन करने में सक्षम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भारत पर शासन करने का दायित्व ब्रिटिश सम्राट ने खुद ले लिया और जो ब्रिटेन की शासन पद्धति थी यानी संसदात्मक शासन पद्धति, तो उस संसदात्मक शासन पद्धति के माध्यम से यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से भारत पर शासन किया जाने लगा, क्लियर। तो ये वो दो परिवेश था, यानी 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, 1857 के बाद ब्रिटिश सम्राट का शासन था। तो ऐसी परिस्थिति में 1772 ईस्वी से जो भी अधिनियम बने 1857 से पूर्व तक उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना। लेकिन 1857 के बाद जो भी अधिनियम ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए बनाए उसका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करना, कि भारत में ब्रिटिश सत्ता मजबूत हो, क्लियर। अब इन दोनों परिवेशों के अंतर्गत जो जो अधिनियम बने वो आपको देखना होगा, समझना होगा और यही हमारे अध्ययन का विषय हो। तो उसमें सबसे पहले एक तरह का फ्लो चार्ट मान के चलिए, एक हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए दूसरा हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा कौन हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सब मेमोराइज करते हुए चलिए। उसके बाद तीसरा हो गया 1793 का अधिनियम या यहां से कहिए चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। उसके बाद चौथा में हो जाएगा आपको 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। उसके बाद हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। और उसके बाद हो जाएगा 1800
1953 का चार्टर एक्ट। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, पहले समझिए तब लिखिएगा, हम समय दे देंगे आपको। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुल 6 चार्टर एक्ट बने। चार्टर एक्ट इसका नामकरण क्या क्यों हुआ उसका भी हम आज समझा देना चाहते हैं। वो ये कि कंपनी को चार्टर का मतलब होता है अनुमति। चार्टर को अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या, अनुमति अधिनियम। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चार्टर चार्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप गौर से देखिएगा कि जितने भी 6 हैं उसमें एक को छोड़ करके बाकी सब 20-20 साल के अंतराल पर, यानी कंपनी को 20-20 साल का भारत पे शासन करने का अधिकार दिया गया इन चार्टर अधिनियम के द्वारा। जैसे देखिए 1773 के बाद 93, 93 के बाद 13, 13 के बाद 33, 33 के बाद 53। 20-20 साल का अंतराल है। यहाँ पर जो बीच में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वो इसलिए है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आज पढ़ाएंगे आपको, तो रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अगर पिट्स इंडिया एक्ट नहीं लाया जाता तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी प्रोविजन थे वो प्रभावी रूप से भारत में लागू नहीं हो रहे, यानी गतिहीनता की स्थिति पैदा हो गई। कैसे गतिहीनता की स्थिति पैदा होगी तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इस तरीके से छात्रों कहा यह जाए कि जो पहला खंड है भारतीय संविधान के विकास का वो ऐसा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 20-20 वर्षों का चार्टर अधिनियम दिया गया, चार्टर एक्ट प्रदान किया गया, और उसके माध्यम से भी भारतीय संविधान के बहुत सारे बंध निर्मित होते हुए चले। हाँ, बीच बीच में दिखाएंगे आपको हर एक को पढ़ने के बाद। ये देखिए ये भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए कि ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने वाले अधिनियम है ना। इसमें सबसे पहला है 1858 का अधिनियम। उसके बाद दूसरा है 1861 का परिषद अधिनियम। उसके बाद है 1892 का परिषद अधिनियम। और उसके बाद है 1909 का परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम। उसके बाद है 1919 का परिषद अधिनियम। उसके बाद है 1935 का परिषद अधिनियम। ठीक है, तो यहां भी क्या आपको 6 दिखाई पड़ रहा है, यानी ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाने के लिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आज़ादी से पहले तक 6 एक और स्वतंत्रता अधिनियम या माउंटबेटन स्वतंत्रता अधिनियम जो लास्ट में पारित हुआ उसको अगर मिला लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन उसके कोई उपबंध भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 6 अधिनियम, उसमें से जो पहला है उसमें भारतीय शासन में परिवर्तन ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ किया।
और उस परिवेश में भारतीय शासन व्यवस्था में जो पूर्व के प्रावधान थे उसमें परिवर्तन किए। लेकिन बाद में आप देखिए कि जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं सब में एक शब्द लिखा हुआ परिसर, जैसे यहाँ शब्द में सब में एक शब्द लिखा हुआ, सब एक शब्द जुड़ा होता है चार्टर, तो इसके अर्थ थे चार्टर के। उसी ढंग से आप देखिए कि 1857 के बाद जितने अधिनियम पारित हुए उस सब में परिसर लगा हुआ है काउंसिल। इसका जवाब यह है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सत्ता डर गई और उसका यह विचार हो गया कि भारतीयों को भी शासन में कुछ भागीदारी दिया जाए, इसलिए कि उनकी भावनाओं से हम परिचित हो जाएं और उसके अनुरूप शासन करें, उनके असंतोष को हम दूर कर दें ताकि भविष्य में कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना हो। तो इस उद्देश्य से जो है अंग्रेजों ने भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में परिषद में प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। शुरू में 3 ठोको दिया, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यही परिषद पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर जाते। यही वजह है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट संसदीय शासन व्यवस्था जो हमने अपनाया वो एक व्यवहारिक उपागम था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच था, वही इस देश को सूट कर रहा था, उसका ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास किया। अगर हम उसके स्थान पर कोई दूसरा शासन व्यवस्था अध्यक्षीय अगर अपना लेंगे तो फिर देश उससे नहीं चल पाएगा, इसका अर्थ हुआ। तो इस तरीके से ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए ये 6 अधिनियम जो है पारित किए। हम हर दिन एक एक अधिनियम आपको पढ़ाएंगे ताकि ब्रिटिश संवैधानिक विकास पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए इसको, तो अब हम लोग देखेंगे आज के क्लास में कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये जैसा कि अभी अभी हमने फ्लो चार्ट बना के दिखाया, तो उसमें पहला जो एक्ट है उस एक्ट का नामकरण क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाए तो इसको हिंदी में विनियामक अधिनियम कहेंगे, यानी 1773 का विनियामक अधिनियम, इसको लिख ही देते हैं 1773 का विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम, ठीक है। इसी विनियामक शब्द को जो है ना, ये जो विनियामक शब्द है इसी के लिए रेगुलेशंस या इसी के लिए रेगुलेटिंग शब्द इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि विनियामक या रेगुलेटिंग का अर्थ क्या होता है। विनियामक विनिमय शब्द रेगुलेट शब्द से बना है और रेगुलेट या विनियामक शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी अनियंत्रित चीज को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाए, मतलब वो सत्ता का के द्वारा भेजा गया है लेकिन सत्ता ने अभी तक उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया था, स्वच्छंद छोड़ दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसकी स्वच्छंदता उस सत्ता को बुरी लगने लगी तब उस सत्ता ने जो है जिसे अनुमति प्रदान की थी उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति, जैसा कि पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि इसकी अनुमति 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने
20 वर्षों के लिए चार्टर प्रदान कर पूर्व के साथ व्यापार का एक अधिकार दिया था। एलिजाबेथ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो कंपनी को अधिकार पत्र दिया था वो सिर्फ व्यापार करने के लिए था, और फिर 20-20 वर्षों के लिए उसके इस व्यापार के एकाधिकार को बढ़ाया जाता रहा। लेकिन दो ऐसी घटनाएं घटी, एक 1757 का पलासी का युद्ध, 1757 का पलासी युद्ध, दूसरा है 1764 का बक्सर युद्ध, ठीक है ना। तो ये जो दो युद्ध हुआ, इस दो युद्धों के बाद कंपनी जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक राजनीतिक सत्ता बन गई। पहले व्यापारिक थी, अब राजनीतिक। हाँ, यहीं से कहानी शुरू होता है इस एक्ट का। राजनीतिक सत्ता बन गई, ठीक है। तो उसको एकाधिकार भारत के साथ किस लिए मिला था? व्यापार के लिए मिला था। तो अपने स्थापना से लेके 1757 तक पूर्णतः एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब 1757 में पलासी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आया? तो परिवर्तन आया कि 1765 ईस्वी में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, है ना। ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ, और इस संधि की विशेषता क्या थी कि कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया। कंपनी को वेरी गुड, बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया, बंगाल का दीवान बन गया वो। अब देखिए यहां पर समझने की जरूरत है कि बंगाल के दीवान बन गया कंपनी, जब उसे दीवानी अधिकार मिल गया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उस समय शासन चलाने के दो हाथ होते थे, या शासन के दो अंग होते थे, या शासन के दो भाग होते थे, जो कह लीजिए। एक भाग को निजामत कहा जाता था और दूसरे भाग को दीवानी कहा जाता था। निजामत का अर्थ ये होता था कि फौज, पुलिस, शांति व्यवस्था, ये सब के सब निजामत के अधीन आते थे, विदेशी संबंध। और दीवानी के अंतर्गत भू राजस्व या अन्य प्रकार के राजस्व या आय के स्रोत आते थे। बात समझ गई? अब निजामत तभी चलेगा ना भाई जब आय होगी। तो इसका मतलब दोनों भागों में से, शासन के दोनों भागों में से अगर महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दीवानी फौजदारी से या निजामत से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस इलाहाबाद के संधि के द्वारा जो कंपनी दीवान बन गई, तो इसका मतलब उसका सत्ता शुरू हो गया। अब वो एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब वो एक राजनीतिक सत्ता हो गई। तो यही वो क्षण था जिस क्षण में ब्रिटेन में प्रश्न उठने लगे कंपनी पर कि साहब, कंपनी को आपने अधिकार दिया था व्यापार करने का, ये तो वहां शासन कर रहा है, तो इसलिए उस पर विचार होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कंपनी बंगाल का दीवान बन गई, तो
कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु निम्न परिवेश उपस्थित हो गए। निम्न परिवेश उपस्थित, अब वो परिवेश क्या था वो देखते हैं हम लोग, तब रेगुलेटिंग एक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें पहला परिवेश था संप्रभुता का मामला। ठीक है, दूसरा था द्वैध शासन का दुष्प्रभाव। तीसरा था कंपनी का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा। और चौथा था कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो आपको पढ़ाना है या बताना है वो ये कि 17 मूल रूप से बातें जो कहनी है आपसे इस वाले कलर के शीर्षक में कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया। तो उसका जवाब है कि ये चार कारण अकाउंटेबल थे इसके लिए, तभी ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और उसके लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो ये चार कारण अपने आप में एक अध्ययन है और इसका विस्तार से व्याख्या होनी चाहिए। बोर्ड पर जगह कम रहने की वजह से हम इस शीर्षक के जितने अंदर बातें हैं वो लिख नहीं रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, आप गौर से सुनिए और समझिए तो इसके अंदर जितनी बातें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। और फिर वीडियो रहेगा, बाद में भूलिएगा तो उसको देख करके आप स्मरण कर लेंगे या फिर नोट्स बनाएंगे, तो इस वीडियो को देख देख कर करके आप इन जितने शीर्षक चार हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग बनाने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। एक प्रश्न ही है ये, तो उसके लिए कुल चार कारण उत्तरदायी थे। कितने? चार। पहला जो कारण था संप्रभुता का मामला, इसमें कहा जा सकता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता है। इसी प्रकार से संप्रभुता का जहां तक मामला है तो एक देश में दो संप्रभु नहीं हो सकते। संप्रभु का इंग्लिश होता है सोवरेन। संप्रभु या सोवरेन शब्द इस्तेमाल करने का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में सत्ता जो है वो कहां केंद्रित है, कौन इसका एब्सोल्यूट मालिक है। तो अगर अपने देश का बात कीजिए तो क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर संवैधानिक रूप से बात कीजिएगा तो आप कहेंगे कि भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है, क्योंकि संविधान के प्रारंभ में ही इस बात का उद्घोष कर दिया गया है। आप पूछिएगा ये तो एमपी एमएलए को देखते हैं सर, वो संप्रभु है, प्रधानमंत्री संप्रभु है, तो इसका जवाब यह है कि उसको बनाता कौन है।
तो इसका मतलब है कि वास्तविक सत्ता, वास्तविक संप्रभुता जनता में नहीं है। जनता जिस दिन चाहेगी कि ये नहीं रहे, 5 साल के बाद उसको हटा देगी। इसलिए वास्तविक सत्ता जो है वो जनता के पास है। उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो संप्रभुता थी वो पार्लियामेंट के पास थी। वहां भी कह लीजिए कि जनता के पास थी, पार्लियामेंट को चुनती थी, लेकिन 5 वर्षों के लिए पार्लियामेंट संप्रभु रहा करती थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो उसी पार्लियामेंट के द्वारा रानी एलिजाबेथ का जो परपत्र था, जो डॉक्यूमेंट्स था, वो अप्रूव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापारिक का अधिकार दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो कंपनी ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन है। अब उसको व्यापार करने का भारत में अधिकार मिला था, लेकिन 1764 के बाद 1765 की इलाहाबाद के संधि के माध्यम से अब वो भारत में शासन करने लगी बिना पूछे हुए। तो ब्रिटिश संप्रभु का एक कंपनी, वो अपने संप्रभु से पूछे बिना अगर शासन करने लगे कहीं, तो प्रश्न चिन्ह तो उठ जाता है कि भाई ऐसी परिस्थिति में भारत में कौन संप्रभु है? पार्लियामेंट संप्रभु है, ईस्ट इंडिया कंपनी संप्रभु है? तो जिस समय की बात की जा रही थी, यानी 1765 में जो उसको अधिकार मिला था और 1773 के बीच तक या 72 तक भारत में तो संप्रभु ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो एक म्यान में दो तलवार आ गया कि नहीं? तो ऐसे में ये अनिवार्य हो गया कि ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश संप्रभु सत्ता कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करे, यानी ये साबित करे कि तुम हमारे अधीन हो। तो कैसे साबित करेगा? तो वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएगा कि ठीक है, तुम सत्ता चला सकते हो भारत में, लेकिन अपने मन मुताबिक नहीं चला सकते हो, हमारे निर्देशों के अनुरूप, हमने जो कानून बनाया है उस कानूनों के अनुरूप चलाओगे। जिसका अर्थ क्या होगा कि तुम संप्रभु नहीं हो, हम संप्रभु हैं, तुम हमारे अधीन। तो एक प्रकार से कहा जाए कि संप्रभुता के मामले के वजह से, यानी कानूनी हैसियत के वजह से कंपनी को नियंत्रित करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना अनिवार्य था और इसीलिए पारित किया गया। क्लियर? तो यह फर्स्ट काउंस था जिसके वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आया। आपको इन्हीं बातों को लिखना है, एक्सप्लेन करना है। दूसरा है द्वैत शासन का दुष्प्रभाव। तो ये द्वैत शासन हिस्ट्री का एक लंबा विषय है। हम आपको मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहे थे उसमें बता चुके हैं पूरा, और उसके लिए अलग एक क्लास का कैसेट भी आपके ग्रुप में डाला हुआ है, उसको आप देख के उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉलिटी के दृष्टिकोण से इसको समझाने की या समझने की आवश्यकता है वो ये कि द्वैत शासन यानी डायार्की का शाब्दिक अर्थ होता है कि राज एक ही हो लेकिन शासक दो। तो बंगाल में जब दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि शासक दो हो गए, यानी निजामत के रूप में शासक नवाब था और दीवानी के रूप में शासक कंपनी था। बात समझ में आ रही है? आमतौर पे छात्रों द्वैत शासन को इसी रूप में परिभाषित किया जाता है कि बंगाल में 1765 से 72 के बीच में दो शासक थे, नवाब भी था और कंपनी भी था। ऊपरी तौर पे ये बात सच है, लेकिन तकनीकी रूप से द्वैत शासन ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं, बल्कि तकनीकी रूप से द्वैत शासन क्या था उसको समझिए कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया, मतलब वो दीवान बन गई, अर्थात भू राजस्व कलेक्ट करेगी, लेकिन कंपनी ने ये दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। बात समझ में आ रही है? कंपनी ने अपने कर्मचारी भू राजस्व के नियुक्ति के लिए नहीं बहाल किए, या भारतीय जनता के समक्ष कंपनी सामने हाजिर नहीं हुई कि हम शासक हैं। तब कैसे हुआ? तो जो नवाब के कर्मचारी थे उसी का इस्तेमाल कंपनी ने करना शुरू किया। तो
तो 65 से पहले यानी 1765 से पहले नवाब को जो भू राजस्व वसूल करके देता था वो दो व्यक्ति देता था, एक का नाम था मोहम्मद रजा खान और दूसरा का नाम था सिताब राय। मोहम्मद रजा खान बंगाल से भू राजस्व वसूल करके देता था और सिताब राय बिहार से भू राजस्व वसूल करके देता था। तो ये मोहम्मद रजा खान और सिताब राय कर्मचारी किसके हुए? नवाब के। लेकिन इस इलाहाबाद की संधि के बाद वो उत्तरदायी किसके प्रति हो गए? कंपनी के प्रति, क्योंकि अब जो भू राजस्व वसूल करेंगे वो देंगे नवाब को नहीं, देंगे किसको? कंपनी को। और कंपनी उसमें से 53 लाख रुपया नवाब को निजामत के लिए दे देगा और जनता को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बात समझ में आ रही है? जनता तो ये जान रही है कि हम तो नवाब को पैसा दे रहे हैं, आदमी तो उसी का। अब कंपनी ने ये चाल क्यों चली? तो सबसे पहला चाल तो ये था कि उसके पास आदमी ही नहीं था कि वो राजस्व का कलेक्शन कर सके। दूसरा चाल ये था कि जनता विद्रोह ना कर। तीसरा चाल ये था कि इनके माध्यम से राजस्व वसूली करवाने से उनको कोई खर्च नहीं था, तो इसलिए परिस्थितियां उत्तरदायी थी कि वो रजा खान और सिताब राय के द्वारा राजस्व की वसूली करे। तो अब रजा खान ही दोहरी भूमिका में काम कर रहा था कि कर्मचारी था नवाब का, उत्तरदायी तो उसका किसका हो गया? कंपनी का। तो ये जो उसकी दोहरी भूमिका, यही द्वैत शासन था तकनीकी रूप से। और इस प्रकार से सारा उत्तरदायित्व जो है वो नवाब पर चला गया और सारा अधिकार कंपनी को मिल गया। सॉरी, क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा अधिकार उसी के पास रहेगा। तो एक प्रकार से कंपनी जो है उत्तरदायित्व विहीन अधिकार की मालिक हो गई और नवाब अधिकार विहीन उत्तरदायित्व का मालिक हो गया। तो ये जो कंट्रास्ट देखने को मिलता है शब्दों में, यानी कंपनी के परिवेश में उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और नवाब के परिवेश में अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, यही द्वैत शासन था। क्लियर? तो हमने द्वैत शासन को अभी समझाया आपको। अब देखिए, द्वैत शासन के बहुत दुष्परिणाम हैं। एक तो बड़े पैमाना पे भू राजस्व की वसूली हुई, जिनको जिम्मा दिया गया उसने भी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि बंगाल 65 से 72 के बीच में कंगाल हो गया। और इतना कंगाल हो गया कि पीट जेस्ट, जो एक ब्रिटेन का प्रशासक था, पीट एल्डर, उसने आपत्ति दर्ज की कि दुनिया में सबसे भ्रष्ट कोई कंपनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इसके भ्रष्टाचार से जो अंग्रेज जाति है उस पर कलंक लग रहा है, और यह भी डर है कि अगर यह भ्रष्टाचार का पैसा ब्रिटेन चला आ रहा है तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को भी भ्रष्ट कर देगा। यानी इतना पैसा इन लोग कमा रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इतनी स्वच्छ है वो भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से द्वैत शासन का को समाप्त करना अनिवार्य हो गया था। बिना समाप्त किए हुए अंग्रेजों के साथ पर जो बट्टा लग रहा था उसको नहीं रोका जा सकता था, इसलिए रेगुलेटरी एक्ट लाया गया। क्लियर? तीसरा कॉज हमने लिखा कंपनी का प्रशासनिक ढांचा, तो यह भी दोषपूर्ण था। कैसे? तो कंपनी को संचालित करने के लिए दो संस्थाएं और दोनों ब्रिटेन में थी। एक का नाम था निवेशक मंडल। क्या था? निवेशक मंडल, उसको इंग्लिश में बोलेंगे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स।
एक संस्था कौन थी? निवेशक मंडल या भागीदार मंडल, जो नाम हिंदी में दे दीजिए, निवेशक मंडल या भागीदार मंडल, और ये दोनों का इंग्लिश क्या होगा? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, मालिक। अब ये कौन थे? तो जो भी 500 स्टर्लिंग पाउंड का शेयर खरीदे हुए इस कंपनी का व्यक्ति है, और वो शेयर 6 महीने तक उसके पास है, तो वो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर का मेंबर है। बात समझ में आई? अब आपको इस पहले ही क्लास में समझा दिए थे कि संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, इसको इलिमिनेशन करना काम नहीं करता है, ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार करता है। तो यही बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के लोग जो है वोट दे करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते थे, ठीक है, यानी उसका हिंदी होगा नहीं के संचालक मंडल, और इंग्लिश होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यही भारत में कंपनी को संचालित करती है, और यही नियुक्त करती थी गवर्नर को, जो गवर्नर भारत में कंपनी का व्यापार करता था। तो इस तरीके से ये जो कंपनी की संरचना थी, इसमें करप्शन क्या था कि जो ज्यादा वैल्यू वाले प्रोप्राइटर्स होते थे, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के मेंबर, वही ने चुनाव लड़ते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, तो कम मूल्य वाले बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के लोगों को खरीद लिया करते थे पैसा देकर, और एक तरीके से वो पूरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर देते थे, जिसके वजह से सभी को बेनिफिट नहीं होता था, कुछ ही को होता था। तो ये दोषपूर्ण था, इसीलिए भूमि बोल रहे हैं, धन का एकत्रीकरण कुछ हाथों में होने लगा, और ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश था, देखा इस प्रकार से धन का एकत्रण कुछ हाथों में होने लगेगा तो लोकतंत्र ही आने वाले समय में खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वही लोग राजनीति को भी हैंडल करेंगे। बात समझिए, लोकतंत्र में धन का संकेंद्रण लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है, और कोई भी देश, ये देश के लोग इस तरह का दृष्टिकोण यदि नहीं रखेंगे तो फिर देश विकसित नहीं बन सकता है। तो देश के विकसित बनने के लिए इस तरह का जो दृष्टिकोण है वो भी पाया जाना चाहिए कि लोकतंत्र के विकास के लिए धन का संकेंद्रण उचित नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का प्रशासनिक ढांचा दोषपूर्ण था, सही नहीं था, इसलिए भी इस ढांचा को दुरुस्त करने के लिए जरूरी था साहब के एक नया अधिनियम, रेगुलेटिंग अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाए। तो यह तीसरा कारण भी उत्तरदायी था रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। अब चौथा कौज आइए कि कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति कैसे हुई। तो दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए तीन परिस्थिति जिम्मेदार थी। एक कि बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ने यह कह दिया कि लाभांश जो है, जब अधिक लाभ होने लगा 65 से, तो 66 में ही कह दिया बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ने कि अब 6% के जगह पर 10% लाभांश लेंगे। यदि कंपनी जितना कमाती थी तो जो निवेशक थे, इन्वेस्टर थे, उनको 6% मिलता था, अब 66 में क्या क्या दिया, और नहीं तो हमारा पैसा निकाल लेंगे लो। और एक ही साल बाद यानी 1767 में कहा कि नहीं 10% से काम नहीं चलेगा, 12.5% लेंगे। तो एक साल के अंदर कहा 6% से दुगना हो गया 12.5%। तो ये एक अतिरिक्त भार कंपनी पर पड़ गया, समझ रहे कि नहीं बात। और दूसरा परिवेश ये था कि जब देखी ब्रिटिश शासक ने, माने सम्राट ने, कह रहे इतना फायदा हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहे, तो उसने कहा कि तुमको प्रति वर्ष 4,00,000 स्टर्लिंग पाउंड ब्रिटिश एक्सचेकर में जमा करना होगा,
राजकोष में, ये दूसरा बोझ हो गया। और 72 तक देना पड़ेगा, ये नहीं सिर्फ एक साल, और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। यानी मान के चले कि प्रति वर्ष 4 लाख स्टर्लिंग पाउंड एक्सचेकर में जमा करना है उसको। और तीसरा संकट उसके सामने आर्थिक तब उत्पन्न हो गया जब एंग्लो मैसूर वार में कंपनी जो है वो कूद पड़ी, और हैदर अली से जो लड़ाई हुआ प्रथम और एंग्लो मैसूर वार, तो उसमें कंपनी को बहुत आर्थिक क्षति। तो इन तीनों कारणों से कंपनी की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में ऐसा आ गया हालात कंपनी के समक्ष कि वो बंद होने की स्थिति में आ गई, क्योंकि दायित्व उसके बढ़ गए थे। तब कंपनी ने ब्रिटिश शासक से 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड का कर्ज मांगा। जैसे ही कर्ज मांगा तो ब्रिटिश सत्ता को मौका मिल गया कि हम कर्ज देंगे, लेकिन अब तुमको हमारे अधीन रह कर करके वहां शासन करना होगा। तो छात्रों, ये वो परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का परिवेश उपलब्ध कराया। बात समझ में आई? तो अब देखिए क्या, थोड़ा क्लास लंबा हुआ, घबराइए नहीं, अब बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, है ना? तो अब देखिए कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु दो समितियां बनाई गई। कितना समझिएगा इस बात को, हम बहुत माइक्रो स्टडी करवा रहे हैं आपको, ठीक है? एक समिति को बोला गया परवर समिति, सॉरी, एक समिति को क्या बोला गया? परवर समिति। और परवर समिति को बोलते हैं सेलेक्ट कमिटी, ठीक है? और दूसरे को गुप्त समिति। क्या बोला गया? गुप्त समिति, यानी सेक्रेट कमिटी। ये क्या था, इसमें भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है। जो परवर समिति था वो कंपनी के संवैधानिकता की जांच करने हेतु था, यानी लीगलिटी की, यानी कंपनी को एक लीगल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनाया जाए, कौन कौन से प्रोविजंस किया जाए। बात समझ में आई? और ये जो था गुप्त समिति वो कंपनी के भ्रष्टाचार के जांच के लिए था। किसके लिए? भ्रष्टाचार यानी करप्शंस की जांच के लिए कि कितनी करप्ट है। और ये दोनों समितियां जो बनी थी, दोनों समितियां बनी थी कब? तो 1772 ईस्वी में, नवंबर 1772 ईस्वी में, ठीक है? और इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट जो दी वो 1773 में, मैंने बहुत जल्दी काम किया। और इसके आधार पे इस रिपोर्ट के आधार पे रेगुलेटिंग एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया और इसमें निम्न प्रावधान थे, निम्न प्रावधान थे। अब इसके प्रावधान को हम तीन शीर्षकों में बांटकर आपको बताएंगे, कितने में, तीन शीर्षकों में। उसमें सबसे पहला जो शीर्षक होगा वो इंग्लैंड में परिवर्तन, कहा इंग्लैंड में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि बंगाल के, बंगाल में परिवर्तन, दूसरा है बंगाल में परिवर्तन, बंगाल में परिवर्तन। चूंकि क्लास लंबा हो रहा है तो इसको भी हम एलोबरेट बोर्ड पर नहीं करेंगे, लेकिन बातें पूरी समझा देंगे। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो प्रोवी किताबें पढ़िएगा तो आपको बहुत सा 10-15 पॉइंट मिल जाएगा, समझ गए। लेकिन वास्तव में मूलभूत रूप से यही तीन क्षेत्रों में ही परिवर्तन किए गए और इसी में बहुत सारे प्रोविजंस थे, वो सबको नंबरिंग करके अलग अलग लिखा जाता है। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप समझ पाइएगा कि कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रहा है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में क्या परिवर्तन हुआ ये देखने की बात है। तो इंग्लैंड में था कौन, तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यानी निवेशक मंडल था और संचालक मंडल था, है ना। तो इसने देखा कि भ्रष्टाचार कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो जो निवेशक मंडल है वो बिक जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निवेशक मंडल को, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स को मजबूत करने की कोशिश की गई। और इसमें परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण यह किया गया कि वोट देने का अधिकार निवेशक मंडल के उसी सदस्य को होगा जिसके पास 1000 स्टर्लिंग पाउंड का शेयर हो और वो एक वर्ष से हो। पहले कितना था, 500 शेयर हो स्टर्लिंग पाउंड और 6 महीना से हो। तो इसका मतलब बहुत से अनसीरियस शेयर होल्डर अलग हो गए चुनाव से, अब जो बचे वो काफी मजबूत बचे। दूसरा परिवर्तन यह किया गया संचालक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और वो क्या परिवर्तन किया गया कि संचालक मंडल की सदस्य संख्या निर्धारित की कर दी गई 24 और कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। कितना, 4 ईयर्स। पहले अब प्रति वर्ष होता था तो उसके वजह से भ्रष्टाचार जम ले रहा था। और यह कहा गया कि 1/4 इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य प्रति वर्ष बदले जाएंगे, तो उससे नए नए सदस्यों के आने की भी संभावना हो गई। तो इस तरीके से इंग्लैंड के प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, यानी अब कंपनी को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब आइए भारत में क्या किया गया। तो भारत में कहा यह गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अभी तक बंगाल का गवर्नर अलग, मद्रास का गवर्नर अलग और बंबई का गवर्नर अलग, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी और तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अलग अलग थे।
तो अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहे जाने का अर्थ क्या हुआ कि बाकी दो प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन हो गई। क्लियर। और दूसरा परिवर्तन यह किया गया बंगाल में कि गवर्नर जनरल पहले अकेले शासन करता था, अब चार सदस्यीय कार्यकारिणी गठित कर दी गई और कहा गया कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के बहुमत से शासन करेगा और कार्यकारिणी का नाम भी उस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में लिख दिया गया। उसमें जो नाम थे कार्यकारिणी में वो थे फ्रांसिस फिलिप, फ्रांसिस फिलिप क्लेवरिंग, मॉनसेंट और बॉर्बेल। बॉर्बेल ठीक है। और इसके लिए कोरम रखा गया तीन, हो गए पांच मेंबर। तो कोरम का मतलब हुआ कि जिससे बैठक चालू हो, कहा गया तीन होगा तब बैठक होगा। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार हो गया, अगर टाई हो जाए तो अपना निर्णायक मत दे करके उस बात को पास कराएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रोविजंस किया गया। तो यह सर्वोच्च न्यायालय आज का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, यहां पर क्लियर कर लीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय किसी देश का कैसा न्यायालय होता है कि उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है ना, और उसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण देश होता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के इस परिभाषा के तहत आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय बना, जो 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 को सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ। वो नाम में सर्वोच्च रहने के बावजूद भी व्यवहार में सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि उस सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्रिवी काउंसिल को ब्रिटेन में प्राप्त था। तो इसलिए अंग्रेजों के समय तक सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल भारत की रही। और ये जो 73 में सर्वोच्च न्यायालय बन रहा है, ये सिर्फ नाम का सर्वोच्च न्यायालय है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा न्यायालय था जो सिर्फ अंग्रेजों के मध्य कोई विवाद अगर हो जाए, और वो भी ऐसे अंग्रेज जो कलकत्ते में रह रहे हैं, किसी दूसरे जगह नहीं, तो उसके मुकदमों का फैसला करेगा अंग्रेजों के विवाद के लिए। हाँ, और कलकत्ते से बाहर के मुकदमे का फैसला तब करेगा जब दोनों पक्ष सहमत हो, भारतीयों के विवाद के लिए नहीं था ये। तो इसका कार्यक्षेत्र सिर्फ कलकत्ता था, और इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश थे। तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश था। और उसके बाद हचिंसन और क्लार्ड, ये इसके अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये वो प्रोविजन थे छात्रों जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। लेकिन इसकी काफी आलोचना हुई कि उद्देश्य तो इसका बहुत अच्छा था, लेकिन प्रतिफल बहुत बुरा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो ये प्रोविजन था कि ये बहुमत से फैसला करेगा, तो इसमें से सिर्फ मॉनसेन को छोड़ कर करके बाकी जितना था वो सब वॉरेन हेस्टिंग्स के का विरोधी था। तो 1773 से लेकर 76 तक बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स कोई काम ही नहीं कर पाया। यानी ये जो था पद्धति वो सफल नहीं हो पाई। प्लस
ये प्रोविजन था कि गवर्नर जनरल कोई पारित करे तो उसको सर्वोच्च न्यायालय से अप्रूव कराना पड़ेगा, और सर्वोच्च न्यायालय अप्रूव ही नहीं करती थी। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट गतिहीन हो गया, उसकी काफी आलोचना हो गई, और उसी गतिहीनता को दूर करने का प्रयास 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में किया गया, जिसका अध्ययन अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो हम समझते हैं कि आज का पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा, बाकी तथ्यों के साथ हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।